की सरकार को उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। सरकार खुद कह रही है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल लगे हैं वो इलीगल हैं, तो ये टोल कंटिन्यू क्यों रखा जा रहा है? मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हूं। हाँ, ये इनका ये जजिया काटा जा रहा है लोगों से, जबरन लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये जो सरकार है केंद्र में और यहाँ जो एलजी की सरकार है, ये लूट खसोट करने वालों के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इस टोल प्लाजा को खुद उखाड़ फेंकेगी। के जो नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है, इसमें जिन लोगों की जमीनें आ रही हैं उनको एग्रीकल्चर का रेट दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आती है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरोड टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विजयपुर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि सरोर में टोल प्लाजा और बन में टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है, इसलिए इसे हटा दिया जाना चाहिए। प्रांतीय प्रधान सरदार मनजीत सिंह की अगुवाई में पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सरोर टोल प्लाजा को गैर कानूनी बताते हुए केंद्र सरकार से इसे तुरंत हटाने की मांग की। उनका कहना था कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बयान दिया था कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल प्लाजा लगा है वो गैर कानूनी है, सरकार उसे हटा देगी। सरोड टोल प्लाजा को हटाने के खिलाफ केंद्र सरकार और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरजोर तरीके से विरोध किया। देखिए, आज हमने जो यहाँ प्रोटेस्ट किया है, ये इसीलिए प्रोटेस्ट किया है कि जब सरकार खुद कह रही है कि 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल लगे हैं वो इलीगल हैं, तो ये टोल कंटिन्यू क्यों रखा जा रहा है? 20 लाख रुपए से ज़्यादा रोज़ यहाँ जो है ये जजिया काटा जा रहा है लोगों से, जबरन लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों की आगे ही कमर टूट चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाने वाली चीज़ें ये आसमान को छू रही हैं। और दूसरी तरफ ये जो सरकार है केंद्र में और यहाँ जो एलजी की सरकार है, ये लूट खसोट करने वालों के साथ जुड़ी हुई है। ये टोल प्लाजा जो है ये गैर कानूनी है। आज हमने यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, अगर जल्दी ये टोल प्लाजा यहाँ बंद नहीं हुआ तो फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इस टोल प्लाजा को खुद उखाड़ फेंकेगी और इसकी जुम्मेवारी सरकार पे होगी। दूसरा, आज हमने जो प्रदर्शन किया है, ये हमारी मेन मांग है कि जो नेशनल हाईवे वाइडन हो रहा है, इसमें जिन लोगों की ज़मीनें आ रही हैं उनको एग्रीकल्चर का रेट दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म नहीं आती है कि जब लोगों ने दुकानें बनाई हैं, 40-40 साल के उनके मकान बने हैं, उनके बिजनेस हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, किराने की दुकानें हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और रेट दिया जा रहा है एग्रीकल्चर का, और वो भी हर जगह, हर पटवार सर्कल में अलग अलग। हमारी मांग है सरकार से कि नेशनल हाईवे को एक ही रेट दिया जाए। ये अलग अलग रेट क्यों दे रहे हैं? ये गरीबों को क्यों मार रहे हैं? ये किसको फायदा पहुंचाना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन? और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो ये जो ड्राइंग रूमों में बैठ के इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये बॉम्बे में बैठ के ये प्रोजेक्ट गलत तरीके से बना रहे हैं, इसके खिलाफ हमने पहले भी धरने रखे थे, आज भी रखा है, आगे भी जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गरीब आवाम के साथ है, यह पार्टी गरीब लोगों की आवाज़ बन के आगे आई है। अल्ताफ बुखारी साहब का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर उस गरीब आदमी के साथ है, हर उस गरीब आदमी की आवाज़ बनेगी जिसको आज तक अपनी आवाज़ सुनाने का हक नहीं मिला है। आज हमने अपने साथियों समेत ये पूरा मन मजारा किया है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टोल प्लाजा बंद नहीं किया और लोगों को
जमीनों के सही रेट नहीं दिए तो आने वाले दिनों में पंजाब के पैटर्न पे बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ चलेगा, फिर सारी जुम्मेवारी इस सरकार की हो। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन ये सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमको सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी अगर हमको ये आवाज़ उठानी पड़ी तो हम आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारी बात वहाँ पहुँचाए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात वहाँ पहुँचाए। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हम कोई विघ्न डालें। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी आवाज़ दबाई ना जाए, हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। उनको पता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसानों को लूट रही है, दुकानदारों को लूट रही है, यहाँ इलीगल जजिया कुछ नेताओं के घर में पैसा जा रहा है। वो नेता जो आज अरबपति बन गए हैं यहाँ से, उनके घरों में पैसा जाता है, वो आज चुप करके बैठे हैं। ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको जवाब देंगे।